नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जेके जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका मिला है। ऐसा तो आपके सुनने में आ रहा है कि अलग अलग जो जिला का अलग अलग आपका क्वेश्चन है जो कि देखा गया था, फिर भी टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन आपका प्रोवाइड हुआ है जो कि आपका सही क्वेश्चन है, यानी कि मतलब यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। ऐसे तो क्वेश्चन लेकर आना मतलब नहीं था, फिर भी पता नहीं कैसे बाहर आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं, उसके आंसर को देखते हैं, और इससे पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल का जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, लेवल तो आपका वही होगा, क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न हुआ है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बनाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जनहित याचिका। ठीक है, तो जनहित याचिका उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन द एनी कंट्री, यानी कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो इसका राइट आंसर आपका संसद होगा। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है, तो ये रखता है आपका राष्ट्रपति। इसका तो राइट आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। ठीक है, पूछा गया था मौलिक क्षेत्राधिकार में, तो एक आपराधिक मामले हैं, फिर दीवानी मामले हैं, फिर है कि संघ व राज्य के बीच, राज्यों के बीच का विवाद और जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, तो ये पूछा गया था, इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि चौहान का आंसर क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेस्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो ये दोस्तों आपको मात्र 527 रुपये में जो कि मिलने वाला है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट बुक पर क्या मिलता है, तो टेस्ट बुक पर दोस्तों आपको विभिन्न एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट मिलता है, जैसा कि एग्जाम जो एग्जाम में आप देने जाते हैं उस लेवल का प्रश्न का आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है। साथ में PYQ आपको इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसा कि बिहार पुलिस का भी अगर आप इसमें मॉक टेस्ट खोजिएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में बिहार SI या बिहार स्टेट में जो भी एग्जाम आपके होते हैं उसके मॉक टेस्ट और PYQ और दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अगर आप लोग 527 पे खर्च करते हैं तो एक साल के लिए। ठीक है, बिहार के अलावा टेस्ट बुक पर 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट है, जिसमें आपका SSC का एग्ज़ाम, रेलवे का, डिफेंस का, सभी एग्ज़ाम आपको इसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम बाकी है और आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं कि कैसा एग्जाम में प्रश्न आपका आता है, तो टेस्ट बुक पर आप लोग दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड याद है APG, जरूर यूज कीजिएगा, आपको 12% का ये एक्स्ट्रा ऑफ देता है। अगर आप लोग आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इनसे आप अपना फुल रिफंड भी ले पाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सेवा रिक्पा क्या है। ठीक है, तो सोवा रिक्पा की बात करते हैं, तो ये दोस्तों आपका हिमालय की पारंपरिक दवा पत्ती है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कोलकाता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी अभी नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, तो भू अस्थायी उपग्रह में आपका जुगनू इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सामा चेकवा बिहार का एक त्यौहार है, ये त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर भाई बहन हो जाएगा, भाई बहन को समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो इसका राइट आंसर उस्ताद अहमद लाहौरी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्य वेद जीवक डैश का निवासी था, तो ये दोस्तों आपका राजगृह का निवासी था, तो इसका राइट आंसर राजगृह होगा। बाकी ये दोस्तों आपका 12 से 14 का गधांश है, तो आप लोग इसको गधांश को पढ़ लीजिएगा, मुझे इतना टाइम नहीं है कि हम गधांश पढ़ें, आपको इसका उत्तर दें। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम होगा, नहीं तो हम PDF जब आपको देंगे तो उसमें आपको ये आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका है 15वां नंबर का है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, विधान परिषद जो होता है आपका राज्य में होता है, जिस प्रकार आपका राज्यसभा होता है उसी प्रकार होता है, लेकिन वर्तमान समय में मात्र 6 ऐसे राज्य जहां पर आपका विधान परिषद है, तो 1/3 सदस्य। ठीक है, तो राज्य की विधानसभा की सदन संख्या का 1/3 सदस्य अधिक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि संविधान सभा के चुनाव डैश में कब हुए थे, तो संविधान सभा का चुनाव आपका हुआ था जुलाई 1946 को, तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1946। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस
पोप की आवाज़ करते हुए जलती है, तो इसका राइट आंसर आपका हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो ये दोस्तों आपका इमल्सन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन का परमाणु प्रतीक पूछा गया था, तो आयरन का परमाणु प्रतीक आपका Fe होता है। अगला है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, तो राइट आंसर आपका sp3 होगा। इसके अलावा पूछा गया कि यूरोप का स्केच रिपोर्टर्स के लेखक कौन है, तो राजकुमार इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सुचिवन को सुचिदूर से मिलान करना था, चार ऑप्शन चार मुहावरा दिए गए थे, उसका अर्थ आपको बताना था, तो छाती पर मूंग डालना एक दिया गया था, छाती पर पत्थर रखना था, छाती पर सांप लौटना था और छाती ठोकना था। ठीक है, तो छाती ठोकना का जो अर्थ होता है, ठीक है सॉरी, छाती पर पत्थर रखना, ठीक है, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ए का तो चार होगा, छाती पर मूंग डालना मतलब साथ रखकर परेशान करना, ठीक है, और छाती पर पत्थर रखना का मतलब होता है दृढ़ पूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक इसका राइट ए होगा राइट आंसर। अगला है कि कौन सा समास विग्रह नहीं है, ठीक है, समास विग्रह पूछा गया था, तो समास विग्रह की जब हम लोग बात करते हैं तो समास जो विग्रह आपका होता है ठीक है, तो उसमें जिस तरह कि आपका रसोई के लिए घर रसोई घर होता है, ठीक है, तो राज्यसभा राजा के लिए सभा, ये दोस्तों आपका समास विग्रह नहीं है, राज्यसभा मतलब राजा के लिए सभा नहीं, ये आपका राइट आंसर है। बाकी गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा दक्षिणा ये आपका सही है। ठीक है, अगला है कि वो कोशिका डैश में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया गया था, तो जीव द्रव का खोज आपका जेई प्रकिंजी के द्वारा किया जाता है, तो जेई प्रकिंजी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादपों में शक्ति प्रदान करता है यांत्रिक वाला, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका अस्थिकलेनिकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी पत्तियां भोज पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य में कितने संस्थान है। ठीक है, तो ये देखिए नहीं मिल पाया है इसका आंसर, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो राइट आंसर आपका 2005 हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, तो राइट आंसर आपका 2023 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, तो सेंट्रियोल नहीं होता है, यानी कि तारकाय अनुपस्थित होता है। अगला है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो राइट आंसर होगा बहुविभाजन यानी कि मल्टीफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रा में आपका मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, तो हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, ये देखा गया है, तो ये देखा गया है लिंग निर्धारण निषेचित अंडों के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है, तो सामान्य वर्तमान काल है। अगला है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो सु, ये वाला सु इसका राइट आंसर है, छोटी सु वाला। अगला है निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, असंगत पूछा गया है। एक है बिना सोचे विचार किए गया अविश्वास अविश्वास कहलाता है, गाय को पालने वाला गोपाल, गोद लिया गया पुत्र दत्तक और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि गुजरात में नवीन कॉप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं, तो बांगर इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और उसकी अपतटीय संकरिकाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड होगा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो राइट आंसर आपका बिहार होगा। अगला है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में होता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है, तो सेंट्रल लोड डिस्प्ले सेंटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर मुजफ्फरपुर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है, तो जीवन प्रत्याशा करता है, मुद्रास्फीति करता है और लोगों के लिए अर्जित कौशल निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, नहीं करता। अगला है कि वह है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सी सही नहीं है, तो
ऑप्शन नंबर डी ए और सी इज करेक्ट आंसर है। अगला है ऑनेस्टी इज द एंड एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज करेक्ट आंसर है। अगला है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस द ऑल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ये आपसे पूछा गया। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ऑप्शन ए विच इज द मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, ठीक है तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो इसका राइट आंसर आपका मस्तिष्क होगा। अगला है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, तो इसका राइट आंसर आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ या लसिका के संदर्भ में गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लसिका प्लाज्मा के समान वर्णित होता है। अगला है कि एक अपसारी दर्पण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक उत्तल दर्पण ही एक अपसारी दर्पण है। अगला है 55 नंबर है, तो इसका ये आपका ओम के नियम पर निकालना था, तो आप लोग निकालिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला है वह है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग कितना होगा, तो संवेग इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा, 2 गुना होगा। अगला है कि विद्युत उपकरण के अतिभारण के लिए कौन सा लघुपतन सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, तो फ्यूज का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 58 का आंसर आप लोग बताइएगा, मैं ये आपका है ठीक है कि डेयर आर एयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क रिजर्व, ठीक है बिहार में पूछा गया था तो कितना आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, ठीक है तो नेशनल पार्क तो बिहार में आपका एक ही है, ठीक है तो बी होगा, चाहे आपका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो 13 होगा या 12 होगा, ठीक है आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बाबर तराई भांगर खादर यानी कि आपका मिट्टी का नाम दिया गया था और मिलान करने के लिए आया था, ठीक है तो बात करते हैं भावर खादर का, तो खादर क्या है तो भावर की बात करते हैं, तो भावर दोस्तों आपका एक पुराना जलोढ़ का नाम है, खादर की बात करते हैं तो युवा निक्षेप का नाम है, तो ए का 4 और 4 का 1 जो भी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला भी मैच ऑफ फ्लोइंग है, आपका रिवर का नाम दिया गया है और त्रिवेणी नदी कौन है, तो ठीक है इसमें से आपका गोदावरी का तो वेण गंगा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बी होगा या तो आपका सी होगा। ठीक है गंगा की बात करते हैं तो गंगा किसका आपका सहायक नदी है, ठीक है तो बताइएगा गंगा का क्या है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है, तो राइट आंसर आपका थोरियम होगा, थोरियम इसका राइट आंसर है। अगला आपका है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस है द टीचर टीचेस द स्टूडेंट, को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था तो आप लोग कीजिए। अगला है कि आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर, ठीक है तो अर्बन बिहेवियर यानी कि रूड बिहेवियर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है दो संख्या का योग 18 है और गुणनफल 187 है, तो संख्या बताना था तो आप लोग बताइएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर 11-17 होगा, ऐसे ऑप्शन नंबर ए। अगला है 65 नंबर है, तो ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो जो भी मैथ का क्वेश्चन होगा आप लोग को हम सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है तो आपका 65 का हो गया, हम लोग बढ़ते हैं 69 की तरफ। 69 तरफ है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है अगला है 70, ये सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था जो गैसों के द्वारा ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन और सल्फाइड। अगला मैथ का है तो उसको भी आप लोग बताइएगा 71 का क्या होगा। इसके बाद आपका 72 भी मैथ है, 73 की बात करते हैं, निम्न किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो सबसे तेज गति से ध्वनि दोस्तों आपका कहाँ चलेगा, तो निर्वात में, ऑप्शन नंबर स्टील में चलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, निर्वात में 0 होता है। अगला है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं, गोदावरी इसका राइट आंसर है। अगला है 75 का, तो 75 को देखिए, 75 का जो राइट आंसर है क्या होगा आपका, क्या दिया गया है, वन जीव अभ्यारण दिया गया है, मिलान करना है तो सरिस्का, ठीक है इसके अलावा चंद्र प्रवाह है, कोयना है, कोयना की बात करते हैं तो ये तो महाराष्ट्र में है, तो एक का सी जो भी हो वो आपका राइट आंसर होगा, एक का सी ये यहाँ भी है, एक का सी यहाँ भी है। इसके अलावा सरिस्का की बात करते हैं तो सरिस्का भी दोस्तों आपका कहाँ है, तो राजस्थान में है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उस समय के राज्यपाल कौन थे, तो राइट आंसर होगा नित्यानंद कानूनगो, ठीक है और जयराम दास आपके पहले राज्यपाल थे।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है, ठीक है, तो गलत कथन क्या है उसको आपको चुनना था, तो इसका आंसर भी हम लोग देंगे आपको बाद में। अगला है लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट, ठीक है। 79 का है पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर राजस्थान होगा। अगला है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ग्यासपुर में है। अगला है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, बेंगलुरु में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, जल शुद्ध। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में दर्शाना था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा इसका, नहीं तो हम लोग बाद में आपको देंगे। इसके अलावा मैथ का क्वेश्चन है, इसके अलावा हम लोग चलते हैं 87 नंबर पर, जो 87 नंबर है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा तीसरे असिस्ट का नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर होगा डी होगा, मिराबो और विश्य ने। अगला है हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार के शुद्ध अच्छा लोहा बनाना संभव है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार, ठीक है, तो संतुलन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, तो राखी दिवस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस वर्ष में बिहार का राज्य का दर्जा मिला और राजधानी बनी, तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार राज्य का दर्जा मिला, तो बिहार राज्य का दर्जा आपको मिल गया था 1936 में, तो बिहार आपका अलग हुआ था, ठीक है, इसको देखिएगा, शायद 1932 इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अणुओं में अवंद की प्रकृति क्या है, तो बी सहसंयोजी अवंद इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पूछा गया CH H14 के संरचना समयों का संख्या, तो राइट आंसर डी होगा, 5 होगा। 93 का पूछा गया है अल्फा कण है, तो अल्फा कण आपका होगा डी अवशिष्ट हीलियम आयन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वह फील्ड जो तालिका टेबल रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्राइमरी कहा जाता है, प्राइमरी की, ठीक है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने वाला कार्य कौन करता है, तो ये दोस्तों आपका करता है मदरबोर्ड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मदर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों की प्रशासनिक वर्ग नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, संरक्षित, राज्य, आरक्षित और अभिकृत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य वन। अगला है कि भारतीय नौसेना IAF ने अप्रैल 24 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है, ठीक है, तो राफेल इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला है द कंस्पिरेंसी टू आउटेस्ट ऑफ द फ्रॉम टू प्रशंसा नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी नहीं मिला है, मिल जाएगा 2 मिनट में, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। अगला है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से किसे पुरस्कार किया है, तो आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से मिसाइल टैंक मिसाइल है, ठीक है, कौन सी एंटी टैंक मिसाइल पूछा गया था, ठीक है, तो एंटी टैंक मिसाइल की बात करते हैं, तो कौन है एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल की बात करते हैं, तो आपका एंटी टैंक मिसाइल वो होता है जो मध्यम एवं लंबी दूरी की मिसाइल है जिसका प्रारंभिक उद्देश्य टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना है, ठीक है, तो कौन सी है ये पूछा गया था, तो अभी तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, निर्भय, टी नाग, S-14, एक बार हम लोग देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं, आपको हम PDF में देंगे, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है, बाकी बताइएगा। एंटी टैंक मिसाइल की बात करते हैं, तो ये एक आपका नाग मिसाइल एंटी टैंक है, ठीक है, तो नाग ही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, नाग है तो नाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका 100 क्वेश्चन रहा, ये किस जिले का होगा, अगर आपका अभी यही क्वेश्चन था तो ठीक है, नहीं था तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या था, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए।